हिमाचल प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रीय मजदूर संघ के साथ बैठक की, जिसमें मजदूरों के हितों के मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में राष्ट्रीय मजदूर संघ के नेताओं के साथ विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अधिकतर मुद्दों पर सहमति सरकार की ओर से बनी है और विभाग को जल्द से जल्द मजदूर संघ के मांगों को पूरा करने के आदेश दिशा निर्देश दिए गए हैं। अलग डिपार्टमेंट से जुड़े हुए विषयों पर जो एजेंडा था उस पर हमने चर्चा की है और चर्चा के पश्चात हमने इस बात को देखा कि बहुत सारे पॉइंट्स उसमें ऐसे हैं जो हमने कर भी दिए हैं, लेकिन बहुत सारे कुछ एक पॉइंट्स ऐसे जो हैं जिन पर अभी तक कुछ करने की दिशा में आगे बढ़े हैं और उस दृष्टि से विस्तार से चर्चा हुई है। सभी अधिकारियों को हमने कहा है जिन जिन के विभाग से संबंधित वो इश्यूज हैं उन विभागों से संबंधित जो है वो अपनी जो है वो जो एजेंडे की जो आइटम्स थी और उनका समाधान की दृष्टि से हम क्या कर सकते हैं वो सारी चीज़ को एग्जामिन करने के लिए बोला है और दो तीन चीज़ों को लेकर के मेरा प्रेस की ओर से आपको आ जाएगी डिटेल, उसके बारे में वो आपको जानकारी मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के अच्छी एक बैठक हुई और जिसमें महत्वपूर्ण इश्यूज पर चर्चा की और हमारी मंशा यही होगी कि हम मजदूर संघ की ओर से जो जितने भी इश्यूज यहाँ पर रेज किए गए हैं, चाहे वो छोटे हमारे कर्मचारी वर्ग है चाहे हमारे बड़े कर्मचारी वर्ग हैं जितने भी हैं, उनको किस प्रकार से समाधान की दृष्टि से आगे बढ़ा सकते हैं उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। जल्दी कर मैंने आज कहा अधिकारियों को उसका समाधान की दृष्टि से क्या रास्ता निकलता है उसका जल्दी निकालेंगे। वहीं पुलिस कर्मियों द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री आवास ओवर में एकत्रित होने को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन पुलिस एक अनुशासित फोर्स है और उन्हें अनुशासन में रहकर ही कार्य करना चाहिए। हालांकि हिमाचल प्रदेश को हिमाचल पुलिस पर गर्व है क्योंकि हिमाचल पुलिस लगातार जनता की सेवा में लगी हुई है, फिर चाहे वो कोरोना काल में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की बात की जाए या फिर हाल ही में हिमाचल पुलिस को प्रेजिडेंट कलर मिला जो कि बड़े सम्मान की बात है। मुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मियों से अपील की है कि वे किसी की बातों में ना आए और सोशल मीडिया में जाने से परहेज करें। पुलिस कर्मियों की मांगों पर विचार किया जा रहा है और जल्द ही परिणाम सामने आएंगे। ये देखिए, एक पुलिस विभाग एक डिसिप्लिन फोर्स है, अपना पक्ष रखने के लिए उनको अधिकार है, वो उन्होंने रखा है, अपनी बात उन्होंने कही है और सरकार उसको गंभीरता से एग्जामिन कर रही क्या किया जा सकता उसमें, लेकिन उसके पश्चात हम उसको कैंपेन का हिस्सा बनाए हैं सोशल मीडिया में और उसमें और कुछ लोग प्रोवोकेशन की दृष्टि से उनको कर रहे हैं, ये पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं होता है ना होना चाहिए। और ऐसी सूरत में निश्चित रूप से पुलिस डिपार्टमेंट ने जो डीजीपी साहब ने जो एक उनको कहा है आग्रह किया है कि आप नियमित रूप से अपना कार्य करें, नियमित रूप से मेस में भोजन करें, लेकिन सोशल मीडिया में जाने से परहेज करें, ये बात कही है। अब क्या संदेश देंगे क्योंकि पहली बार ऐसा हिमाचल प्रदेश में हुआ है कि एक डिसिप्लिन फोर्स ने इस तरह से एजिटेशन जैसे का रूप बनाया? नहीं, एजिटेशन नहीं, मैं एजिटेशन नहीं मैं कह सकता हूँ। एक वाक्य हुआ को मेरे निवास पर आए कुछ लोग आए, थोड़े लोगों को आना चाहिए था, ज्यादा आ गए, इतना ही है। और मैं गृह मंत्री होने के नाते मैं मुझसे मिलने के लिए जो है उनको वो इजाजत लेकर के मिलने की वो बात है, मुझे कहा था कि दो चार लोग आएंगे, पांच लोग आएंगे, ऐसा मुझे पहले जानकारी, लेकिन वहां संख्या ज्यादा देखी हमने तो जिसका एक संदेश ठीक नहीं जा रहा था, तो इसलिए मैंने फिर भी उसके बावजूद उनकी दो चार लोगों की बात सुनी और उन सबसे आग्रह किया कि भाई आपकी बात हम तक आ गई है, इसका समाधान की दृष्टि से हम क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजों को आगे बढ़ करके काम करेंगे। मैं अपील करूंगा विशेष तौर से पुलिस डिपार्टमेंट बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, सभी जवान बहुत अच्छा काम किए हैं, कोविड की सिचुएशन में बहुत अच्छा काम किया है, अभी प्रेसिडेंट कलर जो है हिमाचल प्रदेश पुलिस को हासिल हुआ है, बहुत गर्व की बात है। ऐसी सूरत में बिल्कुल भी उनके सम्मान के प्रति कोई कहे वो बात बर्दाश्त के योग्य नहीं हुई, मैं उनका बड़ा भारी सम्मान, बहुत ज्यादा सम्मान करता हूँ डिसिप्लिन फोर्स के नाते। ऐसी सूरत में उनको अपने इसके मुताबिक जो है वो काम करना चाहिए, डिसिप्लिन फोर्स के नाते अपने काम को, उनकी बात आ गई, बात इतनी होनी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 5 दिसंबर को बिलासपुर में एम्स अस्पताल की ओपीडी का उद्घाटन किया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया,
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर प्रदेश से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सैजल, खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे। तत्पश्चात राज्य सरकार इस उपलक्ष्य पर 5 दिसंबर को बिलासपुर में एक मेगा कार्यक्रम आयोजित करेगी। हाँ, 5 तारीख को हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और केंद्रीय हमारे जो हिमाचल से संबंधित केंद्रीय मंत्री हमारे अनुराग ठाकुर जी भी रहने वाले हैं। और बिलासपुर में आ करके हम पहले ओपीडी की शुरुआत करेंगे एम्स में, और उसके पश्चात जो सेकंड डोज की हमारा टारगेट अचीव हुआ, उस लक्ष्य को जो हासिल किया 100% वैक्सीन का, उस पर भी एक कार्यक्रम वहां पर तय हुआ है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बीते कल प्रदेश में कोरोना की ताजा स्थिति पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोविड-19 वैक्सीनेशन और अन्य चीजों को लेकर बैठक हुई थी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्कूली बच्चों के कुछ कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 2 साल से अधिक तथा 17 साल तक लगने वाले कोरोना टीकाकरण पर देश भर में अभी चर्चा चल रही है। जैसे ही जिस पर कोई फैसला आता है उसी के अनुसार प्रदेश में आने वाले समय में फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना टीकाकरण की दूसरी डोज का लक्ष्य जो रखा गया था उसे आज शाम तक पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कोरोना के नए वेरिएंट के आने को लेकर हिमाचल प्रदेश भी पूरी तरह से सतर्क है और बाहरी देशों से आने वाले यात्रियों और सैलानियों को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत बनाए गए सभी नियमों से गुजरना पड़ेगा। बाहरी देशों से आने वाले लोगों को ट्रैवल हिस्ट्री के साथ साथ उन्हें अन्य टेस्ट भी करवाने पड़ेंगे। उसके बारे में मैंने कहा कि हमने पिछले कल भी सभी डिप्टी कमिश्नर के साथ वीसी की है, उसमें डिटेल में चर्चा हुई है। और हिमाचल प्रदेश में कोविड के मामले कुछ जगह स्कूलों में आए हैं, वो थोड़ा चिंता का विषय है। उसके लिए हमने उसको, जैसे जब पंडो में आए हैं, इसके अलावा एक दो जगह और भी आए हैं। बाकी हम देख रहे हैं कि केसेस, एक्टिव केसेस का नंबर लगातार कम हो रहा है, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन जहां चिंता का विषय पूरे दुनिया देश के लिए ये बना हुआ, ये जो ओमिक्रॉन जो नया एक वायरस का एक रूप आया है, तो इस वेरिएंट को चेक करने के लिए जो मैकेनिज्म पूरे देश भर में और पूरी दुनिया भर में जो सभी देशों ने, सभी प्रदेशों ने उठाए हैं, उस दृष्टि से हमने भी कहा है, खासतौर से इसमें बाहर से, विदेश से जो यात्री आ रहे हैं उनको अपना ट्रैवल हिस्ट्री और सारी चीज़ों को लेकर के इस प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा। उनकी चेकिंग, उनकी टेस्टिंग जो है वो लाजमी करेंगे, तो इस बात को लेकर के हमने बात की है। और इसके अलावा मुझे अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक की ऐसी स्थिति आई है, लेकिन ये जो नया स्ट्रेन जो आया है ये चिंता का विषय सभी के लिए है। लेकिन हमारी तैयारी उस दृष्टि से पूर्ण रूप से है। 53,77,000 का जो एक टारगेट जो है वो तय हुआ है वैक्सीनेशन की सेकेंड डोज के लिए, और उस डोज को आज शाम तक या कल तक हम उसको अचीव करने की स्थिति है, और परसों तो 100% मतलब जो उस टारगेट को हम पूरा करेंगे ही पूरे करेंगे। हिमाचल ने वैक्सीनेशन में अच्छा काम किया है, अगर आप सेकंड डोज भी हमारा कंप्लीट है, तो जो 18 से नीचे वाली जो वैक्सीन है उसके लिए क्या हम क्लेम करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से? नहीं, अभी तो उस पर देखिए पूरे देश भर में चर्चा चल रही है कि उसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, उस बात को लेकर के अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है। लेकिन अगर पूरे देश भर में एक नीतिगत फैसला होता तो उस पर विचार करेंगे कि सभी स्टेट में 18 वर्ष से छोटी आयु के लिए अगर वैक्सीन की व्यवस्था को लेकर के कोई निर्णय होगा तो हिमाचल उसमें साथ होगा।